इंदौर में एक बार फिर शादी समारोह में चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक दुल्हन के जेवरात सहित कुछ नकदी भी चुरा कर ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें युवक दिखाई दे रहा है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में एक बार फिर से शादी समारोह में चोरी करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। एक ऐसी ही गैंग ने मंगलवार रात शादी समारोह में धावा बोला और यहां से जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ किए और रफू चक्कर हो गए। घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र के महावीर बाग की है, जहां पर मंगलवार को एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। शादी के दौरान एक युवक महावीर बाग गार्डन के अंदर से एक बैग चुरा कर ले गया, जिसमे दुल्हन की ज्वेलरी सहित नकदी और मोबाइल फोन रखा हुआ था। घटना की जानकारी लगते ही शादी समारोह में अफरा तफरी सी मच गई। परिवार के सदस्यों ने जब वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो एक युवक सामान ले जाते हुए दिखा, जिसके बाद परिवार के सदस्य मल्हारगंज थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। लाखों का माल गया है, एक मोबाइल था, पर्स गया और महावीर बाग से शादी में आए थे, शादी में बाहर रखा और शादी में बाहर रखा, दो मिनट अंदर गए, सामान बाहर रख रहे इतने में कोई बैग उठा के चला गया। कमरे के बाहर सामान निकाल रहे थे, तो कुछ सोने की रकम थी, कुछ नकद थे, एक मोबाइल था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे युवक की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है और जिस तरह से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी शातिर गिरोह है, जो पूर्व में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका होगा। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। महावीर बाग है, उसमें एक शादी समारोह था, जिसमें एक लगभग जो फुटेज सामने आया है उसके अनुसार 18-19 साल के आसपास का लड़का है, जो उसमें से एक बैग ले गया है, जिस बैग में लगभग 3-4 हज़ार रुपए हैं और कुछ जेवर वगैरह हैं। उस पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। नहीं, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन है क्या है। अपराध पंजीकृत हुआ है, लगभग 2 घंटे पहले की घटना है, विवेचना में ले लिया है। इंदौर में विवाह समारोह में इस तरह की चोरी के पूर्व में भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता से इन अपराधों में लंबे समय से कमी देखने को मिली थी, लेकिन यह मामला सामने आने के बाद पुलिस फिर से पुराने बदमाशों का रिकॉर्ड खंगालने लगी है, ताकि जल्द से जल्द इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों तक पहुँच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अन्य न्यूज, इंदौर।